साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की ओर। बस्ती में कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के बीएसपी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जहीर अहमद अपनी दावेदारी कर रहे हैं। चुनावी मैदान में उतरने के बाद प्रत्याशी जहीर अहमद ने प्राइम टीवी के संवाददाता से खास बातचीत की है और यह जानने की कोशिश की कि किन किन मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच आ रहे हैं। कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के मेढ़ुआ ग्राम सभा में और हमारे साथ इस समय एक युवा नेता ऐसे हैं चर्चित चेहरे, इनका नाम है जहीर अहमद उर्फ जिम्मी, जो युवाओं के दिल में खासा छाप छोड़ रहे हैं। और अब की बात 2022 विधानसभा चुनाव अपने बिल्कुल रंगों से सराबोर हो चुका है। हर तरफ चुनावी माहौल का बिल्कुल आगाज हो गया, बिल्कुल बच चुका है। हर पार्टी के नेता अब पूरी दमखम लगा के अपने तरीके से क्षेत्र में जाकर अपना जनता के प्रति या जनता के बीच में जाकर वोटों की अपने तरफ आकर्षित करने का कार्य कर रहे हैं। इसी साथ इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं जहीर अहमद जी, हम इनसे बात करेंगे कि अब की बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा इनका और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जहीर अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कप्तानगंज विधानसभा में लगातार गांव-गांव डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हूं, चल रहा हूं, लोगों का दिल जीतने का काम कर रहा हूं। और मैं जब भी गांव पे जाता हूं, लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि आज तक जो भी यहां से एमएलए हुए हैं वो 25 साल एक लोग थे और 5 साल एक लोग थे, वो ठेकेदार के भरोसे चुनाव लड़े, कभी वो कैंपेनिंग नहीं किए, कभी डोर टू डोर नहीं गए और ना कभी किसी गांव में भ्रमण किए। ऐसे चौपाल लगा के कहीं इधर उधर ठेकेदार के भरोसे चुनाव लड़ते थे और जब विकास की बात आती थी तो उनको ना गांव पता होता था, ना क्षेत्र पता होता था, ना क्षेत्र की समस्या पता होती थी, तो वो विकास के नाम पे बिल्कुल एकदम मान के चलिए कि वो लोग जो है जीरो रहते थे। देखा जाता है कहीं ना कहीं 25 साल तक एक नेता ने, ऐसे नेता ने यहाँ राज किया इस विधानसभा क्षेत्र पर और 2017 में कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में रहे सीए चंद्रकांत शुक्ला जी, उन्होंने जीत हासिल कर यहाँ क्षेत्र में काम किया है, तो उनके कार्यों को लेकर आप भी टहल रहे हैं, क्या लगता है जनता के अंदर क्या है, जनता के मन में क्या है? जनता के अंदर बहुत आक्रोश है और यहाँ पे गांव-गांव में जब भ्रमण कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि रोडों की हालत बहुत ख़राब है। तमाम बहन बेटियाँ स्कूल जाती हैं तो वो साइकिल से जाती हैं, वो गिर जाती हैं, बेचारी चोट लग जाता है उनको। कई गांव में हमको ऐसा पता चला है कि हमारे सामने समस्या है कि हाथ टूट गया, पैर टूट गया, इस तरह से बहुत सारी समस्याएँ हैं। और जो प्रेजेंट टाइम में एमएलए हैं यहाँ से, वो किसी गाँव में जाएँ इतना आक्रोश है, लोग उनको इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आएँ तो हम उनका जो है अपना जो है उनकी जो कार्य अभी तक किए हैं बहुत ख़राब किए हैं और उसके बाद जो है हम उनकी शिकायत करेंगे और उनको जो है वोट इस बार नहीं देंगे। पता है एक सवाल मेरे मन में है, आखिर आपका एक बिजनेस माइंड पर्सन आप थे और एक राजनीति समाज सेवा में आप जुड़ गए, तो ये कहाँ से आपके विचार में आया? देखिए मैं कोई बिजनेस नहीं करता ना बहुत ज़्यादा जो है बिजनेस के बारे में उतना मुझे आइडिया है, लेकिन ये है कि पेट पालने के लिए यहाँ के लोग दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तमाम शहरों में जाते हैं, अपने परिवार को पालने के लिए, अपने क्षेत्र को जो है बढ़ाने के लिए जाते हैं, तो वो वही काम करने के लिए मैं भी गया था। और जब लगा कि मेरा क्षेत्र जो है हमेशा बाहरी लोग इस पर अटैक किए रहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र को आज़ाद करें, क्योंकि बाहरी लोगों का कब्जा है, वो लोग वोट भी नहीं डाल सकते यहाँ पे, उसके बाद भी कब्जा किए बैठे हुए और विकास के नाम पे जीरो है। अच्छा ये मसला जो है बाहरी बनाम घर का जी, तो इसका क्या असर है? बहुत ज़्यादा है इसमें जो है, जब भी मैं गांव-गांव जाता हूँ तो लोग बहुत बड़े हौसले के साथ मेरे साथ खड़े होते हैं और अपनेपन का एहसास हो रहा है, सर्व समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो क्या लगता है सरकार में विकास कार्य हुआ है? विकास कार्य अगर हुआ होता तो वो नतमस्तक थोड़ी होने की ज़रूरत पड़ती है। आप बताओ, वोटरों के सामने नतमस्तक होना पड़ रहा है कि हमको गलती माफ़ कर दो। 5 साल बहुत बड़ा समय होता है, 4 महीने में हमने लोगों का दिल जीतने का काम किया है और अगर 5 साल हमको मिल गया तो लोगों को शिकायत करने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। अच्छा यहाँ जो है ब्राह्मण और कुर्मी और ये जो दलित है ये वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, तो क्या लगता है मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोट किस तरीके से आप आकर्षित करने का काम करें? देखिए कप्तानगंज में हम सर्व समाज के पास जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं और उनकी समस्या सुन रहे हैं और उनके समस्याओं को नोट कर रहे हैं और सर्व समाज हमारे साथ है। हम सर्व समाज का वोट चाहते हैं क्योंकि हम अपने क्षेत्र के हैं, अपने गाँव घर के हैं, यहीं का अनाज खाते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं सोते हैं। पार्टी के तौर पर सबसे पहले क्या मुख्य कार्य करना चाहते हैं? सबसे पहले तो कप्तानगंज के जो भी PSC CSC सब जितने हॉस्पिटल हैं उनमें देखिए आज तक न जांच की कोई व्यवस्था है न कुछ है, सिर्फ वही डॉक्टर बैठते हैं, वही टिकिया गोली सब देते हैं, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को लखनऊ या कहीं बाहर ना जाना पड़े, यहीं उनका इलाज हो जाया करे। और शिक्षा पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ नौजवान
देख रहे हैं कि शिक्षित भी नहीं बहुत ज़्यादा हो पा रहा है, अगर होता भी है तो उसको जॉब नहीं मिलती है, परेशान है और शिक्षा पे काफ़ी हम ध्यान देते हैं। युवाओं के लिए रोजगार अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में क्या जनपद में बहुत कम है असर, और युवा वोटर सबकी बार बढ़े हैं तो किस तरीके से युवा वोटर्स को आप आकर्षित करें? हमारी सरकार बनती है तो हम अपनी सरकार से हमेशा ही अपील करेंगे कि कप्तानगंज के जितने भी युवा हैं, बस्ती जिले के जितने भी युवा हैं, हम हमेशा उन युवाओं के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, मैं हमेशा अपने जिले के लोगों के लिए खड़ा रहूँगा। तो आपने देखा, हमने अभी बीएसपी कैंडिडेट जो उम्मीदवार के रूप में विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं, उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और युवाओं के लिए रोजगार के लिए बेहतर सुव्यवस्था करेंगे अगर जनता हमको उस लायक बनाती है, तो देखते आने वाले भविष्य में फिलहाल क्या होगा। बस्ती से सहयोगी अतुल के साथ रजनीश पांडे। वही गाजीपुर में भाजपा विधायक सुनीता सिंह ने जमानिया विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। विधायक सुनीता सिंह ने 4 सीटों में अपना नामांकन दाखिल किया और 2 प्रस्तवक धर्मेंद्र कुशवाहा और रमाशंकर उपाध्याय मौजूद थे। नामांकन के दौरान सुनीता सिंह ने कहा कि इस बार रिकॉर्ड मतों से विजयी प्राप्त होगी, हमने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा विकास कार्य किया है, जमानिया में सभी बड़े सड़कों का मरम्मत कराया, उसे 2-लेन सड़क बनवाया है। वो जिस तरह से जमानिया की जनता ने सुनीता सिंह को पिछली बार जिता के भेजा था, उससे भारी मतों से जिता के जनता एकदम बिल्कुल तैयार है। मोदी जी और योगी जी के जो सरकार जिस तरह से चल रही है, उनके कार्यों से जिस तरह से जनता आगे आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहती है, और जमानिया की जनता हमको इस बार भारी मतों से जिता के भेजने वाली है। मुद्दा क्या होगा इस बार? मुद्दा विकास है। मुद्दा क्या है? पीछे भ्रष्टाचार होता था, इस बार भ्रष्टाचार में सरकार के प्रति कोई भ्रष्टाचार नहीं है, और विकास मुद्दा है। जमानिया जिस तरह से गड्ढे में तब्दील था, हमने रोड, बिजली, पानी, सड़क, विकास कराया, विद्यालय तक बनवाया, पीपा पुल बनवाया, विकास। 2022 की एक महामारी में कोविड महामारी की वजह से कोविड नियमों के तहत आज कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वर्चुअल जनसभा को संबोधित किया। इसी कड़ी में औरैया की बिथुना विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी सुमन व्यास के चुनावी कार्यालय पर आज बूथ सेक्टर ब्लॉक प्रभारी समेत बिथुना विधानसभा क्षेत्र के समस्त बुजुर्गों समेत सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं दिखी। इस मौके पर प्रत्याशी सुमन व्यास ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव की तरफ से जो संकल्प पत्र, चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया है, उसमें संकल्प लेकर जिस तरह महिलाओं को सुरक्षित व मजबूत करने की बात कही गई है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की वर्तमान सत्ता में बैठे लोग, चाहे वो केंद्र से हों चाहे वो प्रदेश से, आज उनसे हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता पीड़ित है और जनता की भावनाओं को समझते हुए, युवाओं की भावनाओं को समझते हुए, बेरोजगारी के दर्द को समझते हुए प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर के बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ा है। हम पूरा जनसंपर्क पूरे जोरों शोरों से कर रहे हैं और यहाँ की जनता कांग्रेस को पूरा समर्थन दे रही है, और हम लोग यहाँ पर जो प्रियंका गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी की प्रतिज्ञाएँ हैं उनको लेकर के हम लोग चले हैं, और यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार, शिक्षा जो हमारे मुद्दे हैं उनको लेकर के हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कि हमारी पार्टी की जो विचार। खबर कुशीनगर से है, जहां एक तरफ 2022 विधानसभा चुनाव में सारी पार्टियों ने अपने अपने एक से बढ़कर एक दिग्गज प्रत्याशियों को टिकट दिया है, वहीं पर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा हाटा 364 के पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह के पुत्र रणविजय सिंह मोहन को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। मीडिया के सामने रणविजय सिंह मोहन ने कहा कि विकास मेरी प्राथमिकता है, जुर्म और अन्याय के खिलाफ मैं आम जनता की समस्याओं को लेकर उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा। मैं हाटा की जनता को यही संदेश देना चाहूंगा कि जिस तरह मेरे पिताजी ने हाटा विधानसभा में जब 2012 से लेकर 2017 तक जनता ने अवसर दिया था, मेरे पिताजी ने हाटा विधानसभा में ऐतिहासिक विकास किया और हाटा विधानसभा को पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक आदर्श और मॉडल विधानसभा बनाने का काम किया।
मेरा प्रयास रहेगा, अगर हाटा की जनता मुझे चुनती है तो मैं अपने पिताजी के आशीर्वाद से हाटा विधानसभा को उत्तर प्रदेश का एक आदर्श और मॉडल विधानसभा बनाऊंगा, जनता के लिए संघर्ष करूंगा और अपने कार्यकर्ताओं और जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करूंगा। औरैया के शहर कोतवाली के खानपुर चौराहे के पास कांग्रेस के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ एसआईसीसी पर्यवेक्षक गजेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए अन्य दल बौखलाए हुए हैं। पर्यवेक्षक ने कहा कि कांग्रेस का बहुमत लगातार बढ़ता जा रहा है और वह दिन अब दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा औरैया सदर के प्रत्याशी सरिता दोहरे शिक्षित व योग्य उम्मीदवार है और पार्टी से काफी लंबे समय से जुड़ी है, यही नहीं वह जमीनी स्तर से उठकर इस मुकाम पर पहुंची है, इसलिए उनकी जीत निश्चित है। उन्होंने अपने शासन में बहुत कुछ करा, बिजली उन्हीं की देन थी, रोड उन्हीं का देन था, ये केल भी उन्हीं की देन है, बस अड्डा भी उन्हीं की देन है। जो उनका अधूरा सपना बचा है, मैं उनका अधूरा सपना पूरा करना चाहती हूँ और मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जो हमारा घोषणा पत्र है हम उस पर बिल्कुल खरे उतरेंगे और उसे पूरा करेंगे, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा ली है, उस प्रतिज्ञा को हम निभाएंगे और हम कभी झूठे बातें नहीं करते, जुमलेबाजी नहीं करते। हमारी पंजाब में भी सरकार है, राजस्थान में भी सरकार है, आप वहाँ से देख सकते हो कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। महिलाओं को सशक्त करते हुए, उनको मजबूत करते हुए तमाम पदों पे 40% के साथ, राजनीति में ही नहीं अन्य जो हमारी नौकरियां हैं उसमें हम 40% आरक्षण देने का काम करेंगे। तमाम कॉन्ट्रैक्ट लेबर को संविदा पे जो लोग हैं, आउटसोर्स में जो लोग हैं उनको परमानेंट करने का काम करेंगे। साथ ही साथ हम 75 जो जिले हैं उसमें महिलाओं के लिए विशेषकर 10 कॉलेज खोलने का काम करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज जहां है, मेडिकल कॉलेज है, और भाजपा ने जो वादे किए हैं उन 5 सालों में उनको याद नहीं थे कि हमने वादे क्या किए। कमल का फूल जनता का भूल थी, हम वो भूल नहीं करने देंगे और ना ही हम उसे पूरा नहीं जो हुआ इसके लिए हम चुप बैठेंगे। साथ ही साथ जो भाजपा ने अराजकता फैलाई है, जिस तरह से वैमनस्य फैलाया है उसको दूर करने का काम करेंगे, प्रदेश में खुशहाली लाने का काम करेंगे, प्रदेश में विकास का काम करेंगे और नंबर 1 उत्तर प्रदेश को लाएंगे। और साथ ही साथ हम प्रदेश में तमाम आर्थिक जो पाबंदियां लगी हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। और औरैया में विशेषकर हम बात करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो इस तरह से प्रशासन व्यवस्था फेल है उसको मजबूत करने का काम, सड़क का काम, आवास जो नहीं मिला उनको आवास दिलाने का काम, बिजली जो नहीं आती उसके लिए जो हमारे प्लांट आप देखिए कि कांग्रेस के समय औरैया में आपके पास गेल का है, आपके पास और NTPC है, प्लास्टिक इंडस्ट्री की बात हुई, मेडिकल कॉलेज की बात भाजपा ने की, उन्हें याद ही नहीं है कि हमने किया क्या है। अपनी भाजपा की आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार का माहौल है, जनता के बीच में डर और भय है, बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है कि युवा वर्ग इतना कमजोर हो चुका है, मध्यम वर्गीय परिवार उसको झेल नहीं पा रहा है। उस व्यवस्था को लेके हर वर्ग के अंदर इस बात का गुस्सा है, नाराज़गी है और इसी नाराज़गी का कहीं ना कहीं हमें कांग्रेस के पक्ष में वोट और मतदान होना है। वहीं देवरिया के सतर से सपा प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह, रुद्रपुर सपा प्रत्याशी राम भुवाल निषाद, बरहज विधानसभा से सपा प्रत्याशी मुरली मनोहर, वहीं सलेमपुर से सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी से मनबोध प्रसाद ने नामांकन पर्चा भरा। नामांकन के 7वें दिन कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। सदर सपा प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि मुझे जनता का प्यार मिल रहा है, जनता मुझे प्रत्याशी चुन चुकी है, अगर हमारी सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करेंगे। मेरा कोई मुद्दा नहीं है, विधायी का जो अधूरा कार्य है उसको पूरा करना, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना घोषणा कर दिया है वही हो जाए तो दुनिया भाजपा हटाना मेरा प्रमुख मुद्दा। देखिए हम तो 2 सेट में अपना जो है नामांकन किया है, अब मुद्दा तो हमारी पार्टी ने स्वयं रख दिया है कि मेरी सरकार आएगी तो क्या क्या करेंगे, जिसके लिए लोग सड़कों पर लाठी खाए, पुरानी पेंशन कब से चली आ रही है, उन्होंने अपनी हिम्मत बढ़ा करके उत्तर प्रदेश की सरकार की बजट से देने को वादा किया है। और बाकी जो मुद्दे की बात करता है उससे बड़ा मुद्दा कुछ है ही नहीं है। देखिए मेरा पूर्वांचल क्षेत्र जो है गरीब मजलूमों का आता है, पिछड़े वर्गों का आता है। मैं जब 12वें MLA था तो देखा कि हमारे घर परिवार के लड़के सुबह ही उठ करके सड़क पर दौड़ा करते थे, तो मैंने सोचा कि अगर पुनः दोबारा सरकार बनेगी तो मैं 2 इनिशिएटिव बनाऊंगा जिससे लोग दूध खाने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, दौड़ धूप करके सेना में पुलिस में भर्ती तो हो गए, BSF में भर्ती हो गए। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी के रूप में बरहज विधानसभा से 4 सेट में अपना नामांकन किया। मैं बस एक ही चीज़ जानता हूँ, बरहज विधानसभा में अगर कार्य हुआ है
तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी द्वारा हुआ है। सरकार से कोई मतलब नहीं, सरकार तो हर सरकार सुविधा देती है, नीति लाती है जन समस्याओं को दूर करने के लिए, पर जो विधायक होता है अगर वही निठल्ला हो जाए तो उसकी बात ही क्या है। तो मैं अपने पिताजी को रोल मॉडल मानता हूँ, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने क्षेत्र की जनता का समस्या का समाधान करूँगा और क्षेत्र का विकास करने, बस यही मेरा एक मकसद है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली जनपद स्थित सलोन व सरेनी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली के माध्यम से कार्यकर्ताओं व मतदाताओं को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली के माध्यम से एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी से जारी घोषणा पत्र का बखान किया तो वहीं भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं रायबरेली के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र प्रताप सिंह को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 2019-20 सत्र के शैक्षिक गुणवत्ता के लिए इनोवेटिव आइडियाज के लिए दिया गया है। बता दें कि शिवेंद्र प्रताप सिंह फतेहपुर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात थे। यह पुरस्कार केंद्र सरकार के अधीन राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन संस्थान ने दिया है। देश भर में 19 राज्यों में 100 से अधिक अधिकारियों को यह पुरस्कार और प्रशंसा पत्र वितरित किए गए हैं। जनपद फतेहपुर में स्पेशल जनपद था, वहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों में किस प्रकार शैक्षिक नवाचार किया जाए इसके लिए विभिन्न शिक्षकों और अपनी टीम के साथ मैंने वहाँ मीटिंग की। एक नजरिया उभर के आया कि जो शिक्षक विद्यालयों में अलग अलग बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं उनका जनपद स्तर पर या राज्य स्तर पर प्रकटीकरण नहीं। सबसे पहले इन शिक्षकों का समूह बना करके एक उन्हें मंच प्रदान किया गया और उस मंच के माध्यम से जनपद के समस्त विद्यालयों को प्रेरित करने का प्रयास किया गया। रायबरेली की सलोन विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सियासी पारा भी उफान पर है। इन सबके बीच बिगड़े बोल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वर्ग विशेष के मतदाताओं को टारगेट किया जा रहा है। इसी से नाराज होकर कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। बता दें कि सलोन विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पद्मश्री जगदीश प्रसाद ने सभी बूथ अध्यक्षों व सेक्टर प्रभारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कुछ 15% से सामान्य व पिछड़ी जाति वही 85% अनुसूचित जाति की बात कही, साथ में बहुजन शब्द का प्रयोग किया। इससे कुछ समर्थक नाराज होकर जमकर हंगामा करने लगे जिसका वीडियो वायरल भी हुआ है। आठ साल बने सड़क पर गड्ढे की वजह से हुए एक्सीडेंट में अपने बेटे को खो देने वाले फरीदाबाद के मनोज वधवा लगातार पिछले 8 सालों से गड्ढों को भरने की मुहिम चला रहे हैं। मुहिम में जुटे हाफिजत की सड़कों से जगह जगह बने गड्ढों की तरह प्रशासन का ध्यान दिलाने के लिए मनोज वधवा ने शहर के आम लोगों और रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने लोगों को जागरूक किया। इसके अलावा अपने बच्चों को न्याय दिलाने के साथ साथ आम लोगों को गड्ढा मुक्त सड़क उपलब्ध कराने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मनोज वधवा नाम है सर मेरा। आपकी क्या मुहिम है ये? सर 8 साल पहले हमने इसी जगह पे मैंने अपने 3 साल के मासूम बच्चे को खो दिया था गड्ढों की वजह से, और तब से मैं अपना जो केस है वो कोर्ट में परस्यू कर रहा हूँ, कोर्ट में लड़ रहा हूँ उस केस को। और हमें जो इसमें कॉन्ट्रैक्टर कंपनी दोषी थी उसमें पुलिस की SIT की रिपोर्ट में ये निकल के आया था कि वो दोषी हैं और चालान फाइल हो चुका है ट्रायल कोर्ट में, और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में लंबित है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको सज़ा मिलेगी, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे पैरेलली। दूसरी बात यह है कि जो इसमें गड्ढे होते हैं सड़कों पे, वो किसी भी सड़क पे हो, चाहे वो नेशनल हाईवे हो चाहे हमारे स्टेट की हाईवेज़ हो, उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज होती हैं और जो अधिकारी सरकारी अधिकारी उनको मेंटेन करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, वो अगर उसको सही से मेंटेन ना करें तो उसके खिलाफ़ सख्त प्रावधान बनाए सरकार। ये हमारी मांग है सरकार से, इसके लिए हम लगातार जागरूकता फैला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सरकारों के जो अधिकारी हैं और जो सरकार में जो हमारे सांसद हैं विधायक हैं इनके थ्रू हम ये बात अपनी जो है विधानसभा लोकसभा राज्यसभा में पहुँचाएँ। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम TV।